सावन का महीना शुरू होते हुए शिव भक्त कावड़िये अब कावड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंचने लगे हैं, जिसके तहत फरीदाबाद हरियाणा रोडवेज परिवहन विभाग के द्वारा कावड़ लाने वाले भक्तों और यात्रियों को हरिद्वार तक पहुंचाने के लिए दो बस चलाई हैं। बता दें कि कोरोना के बाद बस सेवा को शुरू कर दिया गया है। हरियाणा रोडवेज से हरिद्वार जा रहे कावड़ लेने के लिए भक्तों ने बताया है कि उनको बेहद अच्छा लग रहा है कि बिना किसी पाबंदी के वो इस बार कावड़ ला रहे हैं। साथ ही रोडवेज विभाग की तरफ से भी उनके लिए बस सेवा चलाई है। सावन का महीना है, इसमें बहुत कावड़िए जाते हैं, अपनी श्रद्धालु है और ये भोले बाबा के लिए जल लेके आते हैं। तो कब रवाना हुआ अभी हो गया आपके यहाँ से? हमारी जी 17 या 18 को होगी। कौन से गांव से हैं आप? मैं जी बल्लमगढ़ से हूँ, ऊँचे गांव से। बल्लमगढ़ से कितने जने आप जा रहे हैं? हमें जी कम से कम 15-1 जने। बताया जाए जब 2 साल कोरोना के बाद कावड़ यात्रा पे रोक लगा दी गई, हाँ जी, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, कितनी जोर मिल रही है आपको देखने? ये जी बहुत खुशी है अंदर से। इसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है? नहीं जी कोई दिक्कत नहीं, बस बढ़िया है। अभी एक आध कावड़िया दिख गया चलते चलते और आगे तक पूरी भरमा रह जाएगी। हरिद्वार ऋषिकेश 17-18 तक बिल्कुल भीड़ फुल हो जाएगी। तो कब आपकी वापसी होगी? वापसी यहाँ से 1-2 दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करेंगे, उससे ऊपर भी जा सकते हैं, फिर वो की इच्छा रही तो वहीं से लौटेंगे। फिर अच्छा। एक आध दिन वहाँ रुकेंगे, वहाँ से फिर जल उठा लेंगे। 2 साल बाद कोरोना लग गया था, कांवड़िया से रोक लगा दी, तो अब की बार किस तरह से श्रद्धालुओं में देखने? 2 साल से रोक तो लगाई है, मगर अब खुशी बहुत ज़्यादा है कि सरकार ने भी पूरी इजाजत दी है। फरीदाबाद हरियाणा रोडवेज परिवहन विभाग के GM लेखराज ने बताया कि अभी उनके पास से सुबह के समय 2 बसें हरिद्वार के लिए जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा पर पाबंदी लगी हुई थी जो पूरी तरह से हट चुकी है, ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ हरिद्वार ऋषिकेश के लिए जा रही है। हमने हरिद्वार के लिए 2 बसें हमारे डिपो की जाती हैं, इसके अतिरिक्त एक पलवल की भी जाती है और यूपी वालों की भी जा रही है। पब्लिक की सुविधा के लिए हरिद्वार यात्रियों को भेजने के लिए हमने सभी सेंट बस सर्विस लगाई हुई है। तो कितने टाइम बस जाएगी? अरे हमारी केवल जो डिपो की बात की जाए वो 2 बसें जाती हैं और एक शाम को स्पेशल बस भेजते हैं। किस तरह का रस देखने को मिल रहा है? रस हरिद्वार का है और रस के मुताबिक हम अपनी बस भेज देते हैं। बता दें कि सावन के महीने में कावड़ लेने के लिए फरीदाबाद क्षेत्र से भी भारी संख्या में भक्त हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं। हर साल सावन के महीने में रोडवेज विभाग के द्वारा कावड़ लाने के लिए जाने वाले भक्तों के लिए बस सेवा चलाई जाती थी, लेकिन कोरोना के कारण इस बस सेवा को बंद कर दिया गया था। बंद की गई इस सेवा को सावन महीने के पहले दिन शुरू किया गया है। अभी 2 बसें चलाई गई हैं जो हरिद्वार तक भक्तों को लाने व लेकर जाने का काम कर रही हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।